बनाने के लिए हम लेंगे सूजी यानी कि रवा, इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स, देन पनीर, मसाले और होममेड मिंट चटनी। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम सूजी ऐड करेंगे। आप अगर चाहें तो सूजी के साथ बेसन भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें गाजर, कैप्सिकम, कैबेज और अनियन ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। आप देख सकते हो कि पनीर को मैं बहुत ही रफली क्रम्बल कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि ये पूरी तरह मैश हो जाए या इसकी भुर्जी बन जाए, बस इसे हल्के हाथों से क्रम्बल करना है। इससे पनीर के पीसेस मुंह में आएंगे और खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च डालेंगे, देन लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हम इस मिक्सचर में हरी चटनी, एक घर की बनी हुई मिंट चटनी ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और एक बड़े चम्मच से इसे साथ के साथ मिक्स करते रहेंगे और अब फाइनली इसे हम कवर करके कुछ देर साइड में रख देंगे। अब हम तवे पे एक टीस्पून घी ऐड करेंगे, इसे गर्म होने पर इस पे बैटर डाल देंगे। सो तीन से चार चम्मच बैटर डाल के इसे हल्के हाथ से हम स्प्रेड करेंगे और फिर अब इसे दोनों साइड से पकाएंगे। We'll be right back.